आप ये तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, आज 26 जनवरी है, 74वां गणतंत्र दिवस देश का मनाया जा रहा है और तमाम जो मुख्य अतिथि हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे। सबसे पहले जो है तिरंगा झंडा जो है वो फहराया जाएगा और उसके बाद अगर बात की जाए तो परेड की सलामी ली जाएगी। आप देख सकते हैं मुख्य अतिथि हैं लोकसभा सांसद करनाल और पानीपत लोकसभा सांसद संजय भाटिया, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और डीसी हो, एसपी हो, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है सभी के सभी मौजूद हैं और तमाम पुलिस कर्मियों की बात की जाए चाहे परेड की बात की जाए तो आज करनाल की नई अनाज मंडी में जो है ये कार्यक्रम रखा गया है जहाँ देश का 74वां गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। मुख्य अतिथि जो है वो पहुंच चुके हैं, डीसी मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं, सभी आपको नजर आ जाएंगे और करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता हो, बीजेपी अध्यक्ष हो, वो सभी यहाँ पर मौजूद जो है आपको नजर आ जाएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ध्वजारोहण किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर ध्वजारोहण कर दिया गया है। मुख्य अतिथि हैं संजय भाटिया, डीसी हैं, एसपी हैं, करनाल मेयर हैं और बीजेपी अध्यक्ष हैं, सभी मौके पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो ध्वजारोहण करके राष्ट्रीय गान की शुरुआत की गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है परेड की सलामी के लिए तमाम जो टुकड़ियाँ हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी, सभी टुकड़ियाँ हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डीएसपी हैं वो सबसे पहले सलामी देते हुए जो है नज़र आ रहे हैं और इस जो है गाड़ी में सवार होकर सभी परेडों की जो है वो सलामी ली जाएगी। आप लोगों से अपील रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने देश के लिए जो है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोकसभा सांसद हैं संजय भाटिया, डीसी, एसपी, डीएसपी जो है सभी उनके साथ जो है यहाँ पर आगे की तरफ अब बढ़कर जो है इस परेड की सलामी जो है वो लोग लेंगे। आगे देख सकते हैं कि गाड़ी जो है फिलहाल आगे की तरफ बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है और आप लोगों से अपील यही रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज ये पूरा कार्यक्रम करनाल की जो नई अनाज मंडी है वहाँ पर जो है वो मनाया जाने वाला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो है टुकड़ियाँ हैं साथ साथ वो जो है यहाँ पर सलामी जो है वो ली जाएगी। आप लोगों से प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। करनाल एसपी डीसी सभी जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे और तमाम जो लोग हैं आप लोगों से भी यही रहेगी कि आप इस वीडियो को शेयर करें और अपने देश के लिए जो है कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इन तमाम टुकड़ियों की आप देख सकते हैं ये तमाम जो टुकड़ियाँ हैं वो आपको नज़र आ जाएगी, उनकी सलामी जो है लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए वो नज़र आ जाएंगे और आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ जो है ये टुकड़ियाँ बिल्कुल आगे की तरफ जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और फिलहाल जो सांसद हैं संजय भाटिया वो यहाँ पर पहुँचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, अपना भाषण भी देंगे, लोगों को संबोधित भी करेंगे, करनाल की जनता को भी संबोधित करेंगे और अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से जो है इस पूरे जो है कार्यक्रम का आयोजन वो जो है किया गया है। फिलहाल अपील यही रहेगी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे और अपने देश के लिए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं बिल्कुल ना रुके। आज जो है देश का 74वां गणतंत्र दिवस जो है वो करनाल में मनाया जा रहा है, करनाल की नई सब्जी मंडी जो है वहाँ पर ये मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा आयोजन यहाँ पर किया गया और आगे अगर आप देखेंगे तो आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे मुख्य अतिथि हैं पहुंचे हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ध्वजारोहण किया गया, फहराया गया तिरंगा झंडा, सलामी ली गई और अब जो है अंदर जाकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी, तमाम चीजों की शुरुआत जो है वो की जाएगी। देख सकते हैं एक बार जो है यहाँ पर
उतरते हुए वापस पहुंचते हुए आप लोगों से अपील यही कि इस वीडियो को शेयर करते रहें। आज इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आज के ही दिन सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनकी टीम के सभी सदस्यों को मैं नमन करता हूं। आज उन देशभक्तों को भी जिनके बलिदान और शहादत के कारण ये देश आजाद हुआ, उन आजादी के बाद जो हमारे योद्धा जो हमारे सैनिक आज भी बॉर्डर पर खड़े होकर इस देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन भी दिया और अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं, ऐसे सबको नमन करता हूं। मैं महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल जी, उधम सिंह जी, जिनके बलिदान के कारण ही ये देश आजाद हुआ और आज हम उस आजादी को सुखपूर्वक भोग रहे हैं, मना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, जो कौम अपने कौम के महापुरुषों को याद रखती है वही कौम ही इतिहास बनाती है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने दुनिया के अंदर अपना इतिहास रच रहा है, एक नया स्थान और नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आज मैं उन आजादी के शहीदों के साथ साथ जिनके बारे में हमें पता है और ऐसे शहीदों को भी नमन करता हूं जो हमारे लिए अज्ञात है, जिनकी गाथाएं हम अपनी पुस्तकों में नहीं पढ़ सकते। आजादी की लड़ाई में हरियाणा हमेशा एक अग्रणी राज्य रहा है। आजादी बनी रहे, देश ताकतवर बने, ये हरियाणा के बच्चे बच्चे के अंदर खून के अंदर है। इसलिए आज आप देखते हैं कि हरियाणा के युवाओं के अंदर आज भी सेना में भर्ती होने के लिए जितना उत्साह रहता है, जितनी इच्छा रहती है, जुनून रहती है, शायद देश के किसी अन्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। इसलिए आज भी सेना के अंदर हर 10वां जवान हरियाणा से ही आता है। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे समय में जिन शहीदों ने हमें शहादत दी, इस देश के लिए शहादत दी, संविधान निर्माताओं ने जिस तरह से संविधान का निर्माण किया, उनका सपना क्या था, उनकी सोच क्या थी कि हमारा देश किस ओर बढ़ना चाहिए, उस पर भी आज के दिन हमें विचार करना चाहिए। आज देश की सरकार ने जिस तरह से सेना के अंदर शहादत देने वालों का सम्मान बढ़ाया है, उनके योगदान को सराहा है, उनके आश्रितों की चिंता की है, उसके लिए मैं अपने देश के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। और अर्धसैनिक बलों के जो जवान आज भी बॉर्डर पर मुस्तैद रहते हैं, पिछले दिनों कमेटी के अंदर चर्चा हो रही थी, मैं उसमें भाग ले रहा था, उसमें मेरी तरफ से जो एक सुझाव का नोटिफाई हुआ कि बार कैजुअलिटी के अंदर सेना के या अर्धसैनिक बलों के जो लोग हैं उनको एक समान हमें फाइनेंशियल पैकेज देना चाहिए, जिसमें वहां पर उपस्थित सब लोगों ने उसको सराहा। युद्ध के समय या आतंकवादियों से मुठभेड़ के समय में जो हमारे सैनिक या तो शहीद होते हैं या परमानेंट हैंडीकैप्ड होते हैं, अशक्त होते हैं, उनके लिए भी सरकार ने चिंता करी है और उनके लिए भी सम्मान राशि बढ़ाई गई है। माननीय मनोहरलाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से हरियाणा के अंदर पारदर्शिता बढ़ी है और सुशासन के क्षेत्र में अनेक नए फैसले लिए गए हैं, आज हमें गर्व महसूस होता है
कि जब हम पहले गांव की चौपाल पर बैठकर मोहल्ले के अंदर हम चर्चा किया करते थे कि विदेशों के अंदर जो जन सुविधाएं हैं एक फोन कॉल पर उपलब्ध रहती है, उसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए माननीय मनोहर लाल जी ने भी हरियाणा को हाईटेक करने के लिए प्रयास किया हुआ है और काफी हद तक सफल हुए हैं। हरियाणा एक पूरे देश के अंदर एक ऐसी पहचान बना चुका है कि जितने इनिशिएटिव्स हैं वो हरियाणा पहल करता है, इसकी सराहना माननीय प्रधानमंत्री जी अनेक मंचों पर अनेक अवसरों पर कर चुके हैं। एक आपके मोबाइल के अंदर ही आपको सारी सुविधाएं आपके दरवाजे पर पहुंचती हैं, इस तरह का एक सेटअप, इस तरह का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। पहले बीपीएल कार्डों के लिए इतना प्रयास करना पड़ता था, हमारे परिवार के हमारे अपने बुजुर्ग भाई बहन किस तरह ऑफिसों में घूमते रहते थे, परेशानी रहती थी। आज एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है कि अगर आपकी परिवार की इनकम 1,80,000 से कम होती है, मान लो आज ज्यादा है, तो आपको लाभ नहीं मिलना, बीपीएल का राशन का लाभ नहीं मिलना, और जैसे ही किसी कारण से हमारे परिवार की इनकम कम होगी ऑटोमेटिकली वो कार्ड हमारा अपने आप जनरेट हो जाएगा, बन जाएगा। अभी शुरुआती दिनों में मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत दिक्कतें इसको करने में आती है, जैसा कि एक उदाहरण हम समझते हैं कि पहले जो भी आम समाज तक जो हमें सुविधा देनी होती थी तो ऊपर से सरकारी दफ्तरों से जो पैसा आता था, तो एक समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उस समय के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं 1 रुपया वहां से भेजता हूँ और नीचे आम जिनको हम लाभ देना चाहते हैं वहां 15 पैसे ही पहुंचता है। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनधन खातों की शुरुआत की तो कई बार सोशल मीडिया में इस तरह की बात भी आई कि जब अकाउंट में बैलेंस नहीं है पैसे, जनधन खाते खोलने का फायदा क्या था। आज वो भी इस बात की सराहना करते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी, वो कहते हैं कि वाकई में ही अगर आज सेंटर से 1 रुपया चलता है तो नीचे लाभार्थी तक 1 रुपया पहुंचता है। उसी तरह से परिवार पहचान पत्र क्या या अन्य जो ऑनलाइन किया जा रहा है या कई बार सोशल मीडिया पर आलोचना होती है कि ये पोर्टल की सरकार